वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। और भाई, जिसने इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखे तो जाओ के चेक आउट करो यार, बहुत ही अच्छी खासी वीडियो बनी है और काफ़ी अच्छा खासा फीडबैक भी देखने को मिल रहा है। व्यूज़ भले से कम आए, भाई फीडबैक आप लोग की तरफ से बढ़िया है ना, वीडियो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है और मुझे नींद काफ़ी बढ़िया आने वाली है ऐसी अच्छी खासी वीडियो बना के। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, जाके वो वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे भाई कमेंट कर देना और बता देना कैसी लगी आपको वीडियो, इसके पहले वाली ओमेगल वाली, जो कि मैं इसको सीरीज़ लाने की कोशिश करूंगा और हो सके तो ये हर हफ्ते और भी एक दो सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूं। तो भाई तैयार रहना, काफ़ी कुछ यहां पर आने वाला है इस चैनल पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अब तो बातें नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली जो कि सीरीज़ लाएंगे और जो भी सारी चीज़ें कंटेंट है वो लाकर तब बातें करेंगे। वेल, बात करते हैं पहले इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के, जो हमें मैच देखने को मिलेंगे। क्या सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर डब्ल्यूडी का प्लान है चैंपियन वर्सेज चैंपियन कराने का, और ब्रॉक लेसनर, एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं रिया रिपली एंड चैम एल्सवर्थ के बारे में। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छी खासी अपडेट होगी इस वीडियो के अंदर, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते फिर टॉपिक पर आते हैं। एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर की तरफ से। वैसे कुछ ही टाइम रह चुका है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का बर्थडे, वैसे ऑब्वियसली चले जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर का बर्थडे है, अमेरिका में स्टार्ट हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि अपना इंडिया तो फ्यूचर में चल रहा है ना। तो यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है 46 यानी कि 46 साल के हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर, सॉरी यहाँ पर वर्ड मिस हो गया थोड़ा, 46 साल यानी कि 46 ईयर के, यानी कि 46 साल के हमारे द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर हो चुके हैं और इनका ये 46वां बर्थडे है। तो भाई बर्थडे विश कर देना अपने द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। ओके, सो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ, आते हैं नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ चलते हैं। सो ये अपडेट है जो कि रिया रिपली एंड जेम्स एल्सवर्थ को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जेम्स एल्सवर्थ जो कि अपने रीसेंट के इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं रिया रिपली को लेकर, जहां पर जेम्स एल्सवर्थ का ये कहना था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से रिटर्न करके जेम्स एल्सवर्थ जो कि रिया रिपली के साथ में काम करना चाहते हैं और एक ट्राइंगल टाइप की स्टोरी लाइन चाहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रिया रिपली को लेकर जेम्स एल्सवर्थ का कहना है, यानी कि जेम्स एल्सवर्थ हमें कॉर्मेला टाइप में स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी जेम्स एल्सवर्थ की, उनके साथ में वैसे ही कुछ यहां पर स्टोरी लाइन जो कि रिया रिपली के साथ में भी चाहते हैं जेम्स एल्सवर्थ। तो भाई ऐसा कुछ होगा तो काफी बढ़िया रहेगा देखना। वैसे यहां पे तो रिया रिपली काफी खतरनाक है, जेम्स एल्सवर्थ को काफी बुरी तरीके से पीट भी देंगी, तो देखते हैं वैसे क्या हमें इन फ्यूचर कभी रिया रिपली और जेम्स एल्सवर्थ आमने सामने आते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, या इनकी कभी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी भी या फिर नहीं, इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है कमेंट बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ। तो यह अपडेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस एंड रोमन रेंस को लेकर। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर प्लान कर रही है सर्वाइवर सीरीज 2023 के अंदर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच कराने का, और वो भी सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जेरो न्यूज की तरफ से आर्टिकल देखने को मिलता है जहां पर उनका यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करेंटली इस चीज को लेकर प्लान में रखी है, यानी कि डिस्कस कर रही है इस चीज को लेकर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस को लेकर, जो कि हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा कुछ प्लान है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन कराने का। अभी तक इस थिंग को लॉक नहीं किया है कि हमें यही देखने को मिलेगा, लेकिन इसको लेकर डिस्कशन हो रही है। एंड ऑल्सो डब्ल्यूडी का ये भी प्लान अभी तक कंफर्म ये नहीं है कि डेमन प्रीस्ट का जो कैशिन है वो उसके पहले ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर कैशिन देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली वहां पर हमें डेमन प्रीस्ट हो सकता है चैंपियन भी बनते हुए दिखाई दे जाए। तो ऐसे में यहां पर सेथ वर्सेस रोमन के चांसेस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कैशिन नहीं होता है तो कैशिन से बाद हमें हो सकता है ना कैशिन होने की वजह से सेथ वर्सेस रोमन रेंस का प्लान बनाया जाए और सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एट सर्वाइवर सीरीज 2023 डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान बनाते हुए दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल भाई देखते हैं, होप करते हैं कि हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस ही देखने को मिले, जो कि सर्वाइवर सीरीज 2023 के अंदर ऑब्वियसली ये काफ़ी बढ़िया मैच और बड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा। 2021 रॉयल रंबल के अंदर हम सभी लोग जानते हैं क्या हुआ था, जहां पर कोई भी हमें क्लियर विनर नहीं देखने को मिला था। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देगी, ये डेफिनेटली देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वैसे इन सारे अपडेट्स को लेकर आप लोग के थॉट्स ओपिनियन क्या है कॉमेंट सेक्शन बता देना। वीडियो वैसे अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस।
समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।